एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट जो जीओसी की वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, और ये जो है इसमें हम पढ़ेंगे हाइपरकॉन्जुगेशन। जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट था वो भी क्या कर रहा था, स्टेबिलिटी दे रहा था। हाउ? लाइक अगर कोई भी वहाँ पर कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास में अगर कोई लाइक नेक्स्ट टू द दैट कार्बोकेटायन अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसको स्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन देके। अगर कोई वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और अगर उसके साइड में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको स्टेबलाइज करेगा। इसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन भी स्टेबिलिटी देता है। हाउ? हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में होता है। यही मेन फिनोमेना है कि सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है। मे बी वहाँ पे पी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट हो सकती है या फिर कोई रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है। ओके, सो हाइपर कॉन्जुगेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी। हाइपर कॉन्जुगेशन दो नाम से जानते हैं, वन इज़ द नोन बॉन्ड रेजोनेंस एंड सेकेंड इज बेकरनाथन इफेक्ट। ओके, नो बॉन्ड रेजोनेंस ही समझ आ रहा है, यहाँ पर ना कोई बॉन्ड नहीं होगा और रेजोनेंस होगी। ओके, सो हाइपर कॉन्जुगेशन फेनोमेना अगर देखना चाहते हैं तो सिर्फ उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, दैट इज़ वहाँ पर एक sp2 हाइब्रिड कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। लाइक एल्कीन हो सकता है, वहाँ पे कार्बोकेटाइन दैट इज़ वैकेंट पी ऑर्बिटल हो सकती है, फ्री रेडिकल की बात करें तो कोई भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो सकती है, उसके पास एक sp2 हाइब्रिड कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, एंड सेकेंड इज उस sp2 हाइब्रिड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन अटैच है उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सो अल्फा कार्बन अटैच टू एस्पेटिव हाइब्रिड कार्बन शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये है एग्जांपल CH3CH double bond CH2। ये एल्कीन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, दिस इज ऑल्सो द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड कि एक कम से कम sp2 हाइब्रिड कार्बन हो और उसके साइड में जो कार्बन अटैच है, यहाँ तो कोई कार्बन नहीं है, इससे साइड में इस वाले कार्बन से जो कार्बन अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन जो प्रेजेंट है उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन फेनोमेना लगेगा। इसी तरीके से मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसको स्टेबिलिटी यहाँ पर मिलेगी। आप ऐसे एक और देखते हैं, अगर सी, यहाँ पे CH3 है, ये है CH3, ये CH3, इधर लगाए एक और CH double bond CH2। सी, ये भी sp2 हाइब्रिड कार्बन है, दिस इज ऑल्सो द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। इससे जो अल्फा पे अटैच है, अल्फा कार्बन पे, वहाँ पर देखो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो यानी कि इसको स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से नहीं होगी क्योंकि इसकी कंडीशन ये बोलती है कि कम से कम अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। सो ये हो गए एल्कीन्स के एग्जाम्पल। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बोकेटाइन का। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये इधर CH3, दिस इज CH3, ये BCH3। ठीक है, ये कार्बन है, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल कार्बोकेटाइन, दिस इज अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन ये कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, मतलब कि टोटल 9 हाइड्रोजन है। सो ये 9 हाइड्रोजन क्या करेंगे, इसको स्टेबिलिटी दे रहे हैं इस कार्बोकेटाइन को। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, अल्फा कार्बन ये है और इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको इस एल्कीन को स्टेबिलिटी इन 3 हाइड्रोजन्स की वजह से है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में यही होता है कि हाइड्रोजन स्टेबिलिटी लेता है। ये तो हो गया कार्बोकेटाइन का एग्जांपल, एक रेडिकल का भी देख लेते हैं, लाइक CH2, ये रेडिकल है, CH3 है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हैं, इधर ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसको फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी इन 3 हाइड्रोजन की वजह से होगी। ठीक है, सो हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन यही है कि सबसे पहला तो क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिड कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, sp2 हाइब्रिड कार्बन प्रेजेंट होगा, उसके साइड में जो अल्फा कार्बन होगा उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। एंड वन मोर थिंग कि जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ही ज़्यादा उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें क्या था, हाइपर कॉन्जुगेशन में यही होता है, रेजोनेंस होती है, तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, आखिर होता क्या है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई, जो पिछला लिया था
ये है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है सी एच थ्री है, इसको हम ऐसे खोल के लिख सकते हैं सी एच थ्री को एच 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 इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान से देखो क्या बताता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सिग्मा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो यहाँ पे जो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में। हाँ तो यहाँ पर क्या होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्लस इधर सी एच एच, ये जो ये सिग्मा बॉन्ड था यहाँ पर ट्रांसफर हो गया डबल बॉन्ड सी एच, ये इधर चले गए इलेक्ट्रॉन्स सो सी एच टू नेगेटिव चार्ज। ओके सो ये क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस है, देखो कोई बॉन्ड नहीं है सो इससे इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन भी स्टेबलाइज करेगा इसको, ये वाला हाइड्रोजन भी स्टेबलाइज करेगा, टोटल इसके फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। हाँ देखते हैं ये क्या है, सी यहाँ पर ये एच इस तरीके से हो सकता है, ये हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज कर रहा है सो इसका एक स्ट्रक्चर ये हो गया। एक और स्ट्रक्चर देखें तो इस वक्त ये वाला हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज कर रहा है तो सी एच, ये सी एच यहाँ पर ये एच प्लस में डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू माइनस, सो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकेंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। यानी ध्यान से देखा, तीन जब हाइड्रोजन है तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो ध्यान रखना कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर जानने हो आपको, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन कर देगा, ठीक है। सो जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो यानी कि जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर देखो तीन अल्फा हाइड्रोजन थे, ये अल्फा कार्बन है, इस पर तीन अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से स्टेबिलिटी हो रही है। अब ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे क्या है जो जैसे टर्शियरी कार्बोकेटायन होता है और सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, आखिर उनको स्टेबिलिटी किस तरीके से मिलती है, क्यों बोलते हैं कि टर्शियरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन से, सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन, इसके पीछे रीज़न हाइपर कॉन्जुगेशन है। जैसे क्या है, ये दे रखा है टर्शियरी कार्बोकेटायन सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री, टर्शियरी कैसे, यहाँ पर देखो ये जो कार्बोकेटायन है इसके अराउंड थ्री कार्बन प्रेजेंट है सो दिस इज टर्शियरी, यहाँ पर सी एच सी एस थ्री, ये इधर सी एस थ्री लगा है, ये इसके पास दो कार्बन प्रेजेंट है इसके, तो ये क्या हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो गया। अगर इसको देखें सी एच टू प्लस सी एस थ्री दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक है। यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, ये कार्बोकेटायन है, ये अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, सो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की और फिर देखेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं। ठीक है सो यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है, थ्री अल्फा कार्बन है जिन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, थ्री थ्री थ्री, टोटल नाइन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो इसमें नाइन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, नाइन प्लस वन इज इक्वल टू टेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब टर्शियरी कार्बोकेटायन है उसके पास टेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अब सेकेंडरी कार्बोकेटायन को देखें तो इसके पास कितने, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब सिक्स, तो यानी कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, सेवन। यहाँ पर देखें तो तीन अल्फा हाइड्रोजन तो इसका मतलब यहाँ पर कितने होंगे, तीन अल्फा हाइड्रोजन दैट इज फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो खुद देखो क्या बताया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, इसके पास 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, इसमें 7 इसमें 4, तो इसका मतलब टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी है वो पता चल गई। अब ऐसे ही क्या है, एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें क्या होगा, एल्कीन्स कैसे कैसे बोलते हैं,
आपने देखा होगा जब आप रिएक्शन जब करा रहे होते हैं तो क्यों आखिर बोला जाता है कि जो सेजेफ प्रोडक्ट होता है जब बनता है, जैसे एलिमिनेशन जहाँ कराते हैं वहाँ पर बोलते हैं सेजेफ प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल, मतलब उसकी ज़्यादा यील्ड बनती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है, सेजेफ प्रोडक्ट दैट इज़ जो मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड देखते हैं, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, हम एल्कीन्स को देख रहे हैं, ठीक है, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन क्या है? जैसे एग्जांपल देखें तो टेट्रा सब्सटीट्यूटेड कैसे, ये एल्कीन है, सी डबल बॉन्ड सी, क्या है, चारों तरफ से सब्सटीट्यूटेड है, मतलब यहाँ पर ये सी एस थ्री, ज़रूरी नहीं है सी एस थ्री कुछ भी हो सकता है, बस बात इतनी है कि कार्बन लगा होगा, ठीक है। सो दिस इज टेट्रा सब्सटीट्यूटेड, तो ये क्या है, ये एल्कीन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये देखो ये अल्फा कार्बन ही हो गए, और इन पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे तीन 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 तीन, टोटल कितने हो गए, 12 अल्फा हाइड्रोजन, 12 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो इसका मतलब इस इधर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, यहाँ पर 12 प्लस 1 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। सो इधर 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ऐसे ही देखते हैं ट्राई सब्सटीट्यूट एल्कीन को, देखते हैं ट्राई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन को देखें, सो यहाँ पे ये होगा इस तरीके से, हो सकती है सी एच, इधर सी एस थ्री लगा है, डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री, ये रहा सी एस थ्री, ठीक है। ट्राई सब्सटीट्यूटेड तीन जगह से सब्सटीट्यूटेड है, तो इसके पास कितने अल्फा कार्बन है, 1 2 3, 3 अल्फा कार्बन, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 9 9 हो गए, 3 3 9, तो इसका मतलब कितने, 10 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो इसका मतलब सॉरी कितने, 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इधर 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो स्टेबल इसमें कौन सा होगा, जिसके पास ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। सो अगर स्टेबिलिटी की बात करें इनमें, सो टेट्रा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल देन ट्राई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। अब हम बात करते हैं डाई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन की, सो डाई सब्सटीट्यूटेड इससे कम स्टेबल होगा इन दोनों से, हाउ, जैसे अभी ये देखा कैसे होने वाला है, वो इस तरीके से हो सकता है सी एच डबल बॉन्ड यहाँ पे सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री, ठीक है, दो जगह से सब्सटीट्यूटेड है, तो यहाँ पे कितने होंगे अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन है जिन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं, तो इसका मतलब कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो ऑफकोर्स दिख रहा है 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 10 7, तो 13 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा 10 से, और 10 वाला 7 से ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका मतलब टेट्रा सब्सटीट्यूट एल्कीन आर मोर स्टेबल एंड ट्राई सब्सटीट्यूट एल्कीन, एंड ट्राई सब्सटीट्यूट एल्कीन आर मोर स्टेबल एंड डाई सब्सटीट्यूट एल्कीन, ठीक है। तो ये हो गई एल्कीन्स की स्टेबिलिटी देखी आपने, कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी देखी, देखा इन सब में स्टेबिलिटी क्यों आ रही है, ये सब कॉन्जुगेशन की वजह से आ रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, राइट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही क्या करते हैं, जब रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं, जब हम देखते हैं, जब हम कुछ भी बना रहे होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि आखिर कैसे कार्बोकेटायन स्टेबल हो, क्या हो, तो उसमें हम इसी हाइपर कॉन्जुगेशन को देखते हैं। सो यही हाइपर कॉन्जुगेशन है जो क्या करता है, उसको स्टेबिलिटी देता है। ये तो हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में एक और इसमें जो टॉपिक है, दैट इज़ द रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके। सो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हैलोजन्स का यूज होता है, एक्स हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ठीक है, हैलोजन्स का यूज करते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, क्या है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी सी एल, ये सी एल लगा है, ये सी एल लगा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, ये पाई है, ये यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, इन सब का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इस तरीके से बॉन्ड जाएगा, ठीक है, और ये इस तरीके से निकल जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सी एच टू, यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर जा रहे हैं, यहाँ पर सी एच डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सी, ये सी एल लगा हुआ है, ये सी एल लगा हुआ है, और ये सी एल क्या है, इस तरीके से माइनस, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्टेबलाइज हो रहा है, इसीलिए इसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो गया है, बस
वहाँ पर क्या था, ये क्या लगा रहा है, ये माइनस एच है, ठीक है, और वो जो पीछे जो हमने पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन में, दैट इज़ वो प्लस एच लगा रहे थे, तो ये क्या हो गया, इसमें और स्टेबिलेटिंग और भी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लाइक कितने क्लोरीन लगे हैं यहाँ पे, 3 क्लोरीन लगा है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिड कार्बन ये भी है, ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन अल्फा कार्बन, और इससे कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा हैलोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर देखो 3 अल्फा हैलोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं ऐसे, तो ये इसी तरीके से स्टेबल होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। अब मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है, लाइक हम क्यों ऐसा करते हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन लिया है और क्लोरीन लिया है, ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन या फिर हैलोजन की ही क्यों बात कर रहे हैं, लाइक हम जब हम एक एग्जांपल देखा था, जो हमने इधर क्या लगा था, CH3 लगा हुआ था, यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ था, इधर भी CH3 लगा हुआ था, फिर इधर CH डबल बॉन्ड CH2 था, इसमें देख रहे थे यहाँ पे ये sp2, ये भी sp2, इससे साइड में जो ये अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, इस पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमने बोला कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी। आखिर क्यों, क्या होता है, अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता, आपको पता होगा जब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के बॉन्ड क्या है, जो CH बॉन्ड जो होता है वो क्या है, ये वीक बॉन्ड होता है, ओके, और जो CC बॉन्ड है, यहाँ पर देखो जो इस कार्बन से यहाँ पे क्या है, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, इससे यहाँ पे ये कार्बन अटैच है, ठीक है, तो ये क्या है, CC बॉन्ड को अगर ब्रेक करना चाहेंगे, नहीं, ये क्या है, ये तो स्ट्रांग बॉन्ड है, तो ये होगा क्या, ये तो नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखता। ऐसे ही क्या, अभी हैलोजन की बात की थी, तो हमने देखा था CCl बॉन्ड लगे हुए थे, ठीक है, ये बॉन्ड था, तो आपको पता है कार्बन का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, तो इनमें क्या होता है, वीक ओवरलैप होता है, ठीक है, इनमें ओवरलैप अच्छी नहीं होती, इसीलिए ये बॉन्ड टूट सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जो CH और जो कार्बन के साथ हैलोजन लगे हुए होते हैं, ये क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, और कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाता है, ठीक है। होप आपको ये हाइपर कॉन्जुगेशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा।